छाप तिलक सब छीनी रे मुसे जब तक सबूत ना ना हो इंसान के पास कोई बात नहीं करनी चाहिए, वरना अगला बंदा अपनी तरफ से कोई भी बात बना सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम समझती हो कि बुरहान तुमसे झूठ बोल रहा है? अगर उसे तुमसे मोहब्बत होगी और तुम्हारी याद आएगी तो वो जरूर तुम्हें फोन करेगा। वैसे एक बात जरूर है, औरत किस्मत में हमेशा इंतजार लिखा होता है। दिल मेरी सुनता ही नहीं, बस अपने ही कह जाता है। आप मेरा एक काम करेंगे? अगर कर सके तो। ट्रस्ट मी, आप सब कुछ कर सकते हैं। वारो, कब से आपका टेरेस पे वेट कर रहा हूँ। आपको पता है चांद भी नाराज होकर चला गया। सॉरी, मैं भूल ही गई थी। अच्छा चलिए, मैंने कॉफी बनाई आपके लिए, अब चले वरना वो भी नाराज होके कहीं ठंडी ना हो जाए। बैठ जाए। परेशान क्यों हो बेटा, ये तो होता ही है, काम के लिए आदमियों को जाना ही पड़ता है। इस तरह परेशान मत हो, जाने वालों के लिए परेशान नहीं होते बल्कि वापसी पे खैरियत से आने की दुआ मांगते हैं। मामी, वो बुरहान से बात हुई आपकी? हाँ, रात को फोन आया था, उसे तुम्हें भी फोन किया था, तुमने उठाया नहीं। तुम सो रही थी क्या? सो गई थी मैं। बड़ा खुश था लेकिन तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद था। आज शाम तक आ जाएगा वापस? अच्छी बात है। तुम किसी और बात को लेके परेशान हो बेटा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे तबीयत नहीं ठीक, मैं देर लेटूंगी सही हो जाऊंगी। अरे तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को बुलाती हूँ। ऐसे कोई पेन किलर लेके सो जाऊंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। छोटी छोटी बातों की इतनी परेशानी ना लिया करें। चलो फिर तुम आराम करो, मैं किचन देखती हूँ। बात पूछूं आपसे? अब भी तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत है क्या? मोहब्बत की आपने कभी? तुम सबको जानते तो फिर क्यों पूछ रहे? तो क्या वही मोहब्बत थी? वो क्या था मैं नहीं जानती। वो रहा नहीं और मोहब्बत आप में अभी भी जिंदा है। अब उस मोहब्बत का क्या होगा? ये भी तो हो सकता है कि आपके अंदर जो मोहब्बत जिंदा है उसका हकदार कोई और हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं होता मारो, जब हम अपने माजी को दफन कर देते हैं ना तो वक्त की गर्द सारे मनाजे धुंधला देती है, ताकि हम आगे का सफर जारी रख सके। कभी आपने सोचा है कि गाड़ी की विंडस्क्रीन इतनी बड़ी और बैक मिरर इतना छोटा क्यों होता है? ताकि हम आगे देखते रहें और पीछे मुड़के सिर्फ उस वक्त देखें
جب ضرورت ہو اور وہ بھی صرف اس لیے کہ کہیں کسی جانب مڑنے سے ہماری وجہ سے کوئی اور کچھ لگا جائے ماضی بھی بالکل اسی طرح صرف ضرورت کے وقت اس پہ صرف ایک نگاہ ہی ڈالنی چاہیے हेलो हाँ क्या हो रहा था आ गई याद मेरी कैसी हो मेरू मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहुत खुश हूँ तुम एंजॉय कर रहे हो ना काफी मैं भी यहाँ वैसे बहुत एंजॉय कर रही हूँ वो सारा नहीं है उसके एक दोस्त ने एक पार्टी थ्रो की थी मैं जाना नहीं चाहती थी लेकिन जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले गई लेकिन वहाँ जाकर ना इतना कोई मजा आया बुरहान मेरा वापस आने का ही नहीं दिल कर रहा था मुझे याद किया याद करने वाली क्या बात है इसमें तुम कौन सा बहुत सारे दिनों के लिए गए हो और वैसे भी मैं इतनी मशरूफ थी कि मुझे वक्त ही नहीं मिला याद करने के लिए वक्त चाहिए होता है मेरू और नहीं तो क्या अब मेरी भी अपनी लाइफ है फ्रेंड्स हैं रोज ही कोई ना कोई प्लान बन ही जाता है ना चाहते हुए भी और वैसे भी तुम्हें पता है ना मुझे कितना पसंद है चेंज लाइफ में अच्छा अम्मी बाबा कैसे क्यों बात नहीं हुई क्या मामी से तुम्हारी वो मैं कल पार्टी से आने में काफी लेट हो गई थी ना तो उन्होंने तुमसे झूठ मूठ ही कह दिया कि मैं सो गई हूँ अब क्या सोच रहे हो कोई उल्टी सीधी बात मत सोचना मैं अपने दोस्तों के साथ ही थी और वैसे भी तुम्हें पता है ना मैं झूठ नहीं बोलती अच्छा चलो खैर तुमसे बाद में बात करती हूँ मेरे सर में बहुत दर्द हो गया अभी थोड़ी देर के लिए आराम करूंगी खुदा अच्छा फिर भी बताओ तुम्हें पसंद क्या है मुझे हंसती मुस्कुराती जिंदगी बहुत पसंद है यहाँ टेंशन ना हो कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे सुहागन के नीरे मुसे नैना मिलाई के मुझे सुहागन के नीरे मुसे नैना मिलाई के उसे अब वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियो या मरो ये प्यार मोहब्बत इश्क औरतें सारी उम्र निभाती हैं मर्दों के लिए सिर्फ एक खेल होता है उसकी जिंदगी की किताब का एक ऐसा चैप्टर जो शादी के बाद हमेशा के लिए बंद हो जाता है बस तुम उसे अब कोई फोन नहीं करी जो शख्स तुम्हारी तबीयत का सुन के फोन बंद कर दे वो तुमसे भला क्या मोहब्बत करता होगा हाँ तो सही है ना अब मैं इसको बताऊंगी लापरवाही कहते किसको है
कर ली ना मैंने, इससे बाद नाम बदल दे मेरा। ये तो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। शुरू में ही अगर मेरी बात मानी होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। ओ, कौन सी बात नहीं मानी है मैंने तुम्हारी, सारी बातें तो मानती हूँ। तुम्हारे कजन वाली, वैसे है कहाँ वो, दोबारा कभी नजर नहीं आया। पता नहीं यार कहाँ है वो, उसे तो वापस चले गए अब तक तो। मेहरमा अब जो मैं कह रही हूँ वो गौर से सुनो। बुरहान को दिखाने के लिए तुम्हें इश्फाक के करीब होना होगा। जितना तुम इश्फाक के करीब होगी बुरहान को उतनी तकलीफ होगी, और तुम्हारी ये बेरुखी देखकर बुरहान फिर से तुम्हारे करीब आने लगेगा। वेरी गुड। वैसे तुम्हें कैसे पता चला मुझे सी फूड पसंद नहीं है? इतने अरसे से आपके साथ हूँ, इतना तो पता चल ही जाता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद। कहाँ घूमी आप? कहीं नहीं। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ फिश कभी नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ वही खाऊंगा जो आपको पसंद है। अच्छा, फिर भी बताओ तुम्हें पसंद क्या है? मुझे हंसती मुस्कुराती जिंदगी बहुत पसंद है, यहाँ टेंशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक और बात बताओ, मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, शरीर से शैतानियां करते हुए। कैसी जिद है तुम्हारी, क्या तुम नहीं चाहते हमारी औलाद हो? जिद मैं नहीं, तुम कर रही हो मारुख। अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, मैं भी इन झमेलों में पढ़ना नहीं चाहता। 5 साल हो गए हमारी शादी को, अगर सही वक्त पे हमारी औलाद हुई होती तो अभी स्कूल जा रही होती। जब मैं दूसरी औरतों को उनके बच्चों के साथ देखती हूँ तो मेरे दिल पे क्या गुजरती है वो तुम क्या समझो। ये नेबर्स के बच्चे सारा दिन इस घर में घुसे रहते हैं, इनसे तुम्हारा दिल नहीं भरता? वो मेरा दिल बहला सकते हैं, मुझे माँ होने का एहसास नहीं दिला सकते अहमद। तुम क्या समझो एक औरत के लिए माँ बनना क्या होता है। अब खा क्यों नहीं रही, खाइए ना। तो शादी उसी से कर दी ना, मेरा फोन उठा रही है ना मुझसे बात कर रही है, मैं पागलों की तरह मैसेज करे जा रहा हूँ सारा दिन से। ओ यार उसको कौन समझाएगा, ये तो वो बंदी नहीं रही है जिसे मैंने शादी की थी। और अगर फोन उठा लेती तो मुझसे ढंग से बात नहीं करती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा उसको कौन समझाएगा ये सारी बातें। ओ यार बहुत हो गया यार। बुरहान, बुरहान जी, बुरहान, 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 इसे जल्दी से उठाएं। देखिए आप परेशान ना हो, इनकी बेहोशी इनके सर की चोट की वजह से है, बहरहाल हमने टेस्ट करवा लिए हैं,
रिपोर्ट्स आ जाएं तो बता सकूंगा कि प्रॉब्लम मेजर है या माइनर। लेकिन डॉक्टर साहब इनको होश क्यों नहीं आ रहा? परेशान ना हो, उम्मीद है इनको कुछ देर में होश आ जाएगा। इस दौरान इनके टेस्ट की रिपोर्ट्स भी आ जाएं। शूज में सिस्टर, इन्हें तो काफी बुखार हो रहा है। ठीक हो जाएंगे, फिक्र ना करें। लेकिन ये बुखार हो क्यों रहा है? चोट की वजह से हो जाता है बुखार। बाकी सब रिपोर्ट्स तो ओके हैं, बाकी डॉक्टर सब आ रहे हैं, वो बता देंगे। बुरहान तुम ठीक तो हो ना? गॉड, तुम्हें होश आ गया? बुरहान ठीक हो ना? उठने की कोशिश मत करो, लेटे रहो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हॉस्पिटल में नहीं रहना है। ज्यादा बातें मत करो, तुम्हें सर पर चोट आई है, बहुत तकलीफ हो रही है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, होटल चलते, मुझे यहाँ अस्पताल में नहीं रहना। अच्छा ठीक है, लेकिन जब तक डॉक्टर नहीं कहेंगे ना, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकती हूँ। कैसे हैं बुरहान? डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। हाँ आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपके एक्सरे क्लियर हैं। बस हमें सिर्फ ये डर था कि आपकी हड्डी को कोई नुकसान ना पहुंचा, सो अब फिक्र की कोई बात नहीं। लेकिन डॉक्टर, इनको बुखार हो रहा है। ठीक हो जाएगा, फिक्र की कोई बात नहीं, हम मेडिसिन दे रहे हैं। हम ट्रैवल कर सकेंगे? नहीं, आई एम सॉरी, 2 से 3 दिन तक ये ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। इस कदर बदगुमाने की कोई ना कोई तो वजह होगी बेटा, तुम तो दिन ब दिन। वजह आपको मालूम है मामी, मैं बार बार जिक्र करके आपको दुख नहीं देना चाहती। वैसे भी वो आपका बेटा है ना, आपको तो उसकी कोई भी बात बुरी नहीं लगेगी। आप थक गई होंगी? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जब थकूंगी तो बता दूंगी। तुम सुबह किससे नाराज हो रहे थे फोन पे? अपनी ख्वाहिशात से। ख्वाहिशात से? कभी कभी ऐसा हो जाता है, लोग हमारी ख्वाहिश होते हैं और वो खुद ही मुजस्मा ख्वाहिश बन जाते हैं। लगता है जैसे पैसा दिल की हर खुशी हर सुकून खरीद सकता है। काश ऐसा हो सकता। एक बात बताऊं आपको, मैं भी पहले इसी तरह सोचता था कि जो अमीर लोग होते हैं ना, इनको किसी किस्म का कोई दुख, कोई गम, कोई सदमा नहीं होता, ये बस खुश रहते हैं। तन्हाइयां, दुख, अजियत, ये इमारत नहीं देखती, ये तो दिलों के सौदे होते हैं। और फिर दिल तो किसी का भी टूट सकता है ना, चाहे वो अमीर हो या गरीब। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये बात मैं आप जाके समझा, क्योंकि जब मैं बिल्कुल गरीब था, जॉबलेस था, परेशान रहता था, तब भी दुखी था, और आज
जॉब कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, आज भी दुखी। पहले मुझे ऐसा लगता था जैसे अमीर सारी खुशियां खरीद के ले जाते हैं और गरीब एक एक खुशी के लिए तरसता रहता है, जैसे जैसे खुशियां बाजार में बिकती हैं और सिर्फ पैसे वालों पे उनका हक हो। लेकिन आज जो मुझे खुशी मिली है मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आज सुबह से आप मेरे साथ हैं, मेरा इतना ख्याल रख रही हैं आप, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें ये चोट मेरी वजह से ही तो लगी है बुरहान। अरे ये चोट क्या है, मैं आपके लिए ऐसी हजार चोटें खाने को तैयार हूँ। अच्छा चलो, अब तुम ज्यादा बातें मत करो, डॉक्टर ने कहा तुम्हें आराम करना है। जी प्लीज आप भी थोड़ा सा आराम कर लीजिए। नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, मैं जब थक जाऊंगी तो मैं चली जाऊंगी सोने। थैंक यू कॉफी के लिए। तुम क्यों उठ गए, मुझे बताते कोई काम था तो? नहीं बस वो मेरी आंख खुली थी तो बस यूं ही वॉक करके देख रहा था कहीं चक्कर तो नहीं आ रहे, लेकिन अब बिल्कुल ठीक फील कर। आपको नींद से जगाने का दिल नहीं चाह रहा था लेकिन मेरी वजह से आप पूरी रात बेआराम रही हैं। मैं बेआराम बिल्कुल नहीं थी बुरहान, पापा ने तुम्हारे लिए दो बार फोन किया, परेशान हो रहे थे। मैं नाश्ते का कह के आती हूँ। जी वो मैंने मैंने कल की फ्लाइट कैंसिल करा के परसों की करवा दी है। अरे मेहरबान कहीं जा रही हो? अपनी दोस्त की तरफ जा रही हूँ, आपकी पूछ रही है। वैसे चलो जल्दी आ जाना, बुरहान से बात हुई तुम्हारी? आपका बेटा कुछ ज्यादा ही मसरूफ रहने लगा है आजकल, मेरे लिए वक्त ही कहाँ है उनके पास जो कोई भी बात होगी हमारी। वो तो कह रहा था कि तुम उसका फोन ही नहीं उठा रही। उसने कहा और आपने मान लिया? बहुत ही चलाक है वो, पहले से अपनी सफाई में उसने बातें कह डाली आपसे। इस कदर बदगुमाने की कोई ना कोई तो वजह होगी बेटा, तुम तो दिन ब दिन। वजह आपको मालूम है मामी, मैं बार बार जिक्र करके आपको दुख नहीं देना चाहती। वैसे भी वो आपका बेटा है ना, आपको तो उसकी कोई भी बात बुरी नहीं लगेगी। देखो बेटा मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन जब वो आ जाएगा तो मैं उससे बात करूंगी इस मौजू पे।
आपकी मर्जी है, आपका दिल करे तो आप शौक से बात करें उससे, वरना मेरी कोई ऐसी खास ख्वाहिश नहीं है कि मेरा कोई जिक्र करें आप उसके साथ। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह, मेरे घर को बचाना, किसकी नजर लग गई इसको, मेरी खुशियों को बचाना परवरदिगार। क्या प्लान किया तुमने? अशफाक को बुलाया मैंने। कब? कब बात हुई तुम्हारी अशफाक से? आज सुबह ही बात हुई है, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ, बस आते ही होगा। क्या बात, परेशान लग रहे, सब ठीक तो है ना? मारुख, मैं खुद से लड़ते लड़ते हार गया, अपने आप को धोखा देना बहुत अज़ियतनाक होता है। धोखा? कैसा धोखा? मैं खुद को धोखा ही तो दे रहा हूं। मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है और मेरी समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा। आप मेरे होश और हवास पे हर वक्त छाई रहती, मेरी हर ख्याल, मेरी हर सोच सिर्फ आपके बारे में होती है। सुबह जागता हूं तो सबसे पहला ख्याल आपका आता, रात को आपको सोचते सोचते सो जाता। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये जानने के बाद आप मुझे इस बात की क्या सजा देंगे? लेकिन मारो, मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं बेवकूफ था, मुझे लग रहा था कि मैं उनसियत और आदत को मोहब्बत समझ रहा हूं, लेकिन मोहब्बत तो आसमान से उतरा हुआ एक तोहफा है जो कुछ नहीं देखती, कुछ नहीं समझती, सिर्फ आपको जकड़ लेती। रुख मेरी आंखों में देखी, मेरी आंखों में आपको मेरी मोहब्बत की सच्चाई नजर आएगी। मेरी तरफ देखिए तो सही, रुख में आपकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखना चाहता हूं। प्लीज प्लीज एक बार मेरी तरफ देखिए, बस एक बार। वैसे भी मेरे सोचने से कोई मसले तो ठीक होने नहीं है, तो कोई फायदा तो है नहीं। वेरी गुड, पता है तुमने बहुत अच्छा किया मेरू, ज्यादा सोचने से इंसान ने बूढ़ा ही होना होता है। वैसे भी जो होना होता है वो तो होकर ही रहते हैं। बहुत अच्छा किया तुमने खुद को ज़हनी तौर पर पहले से ही तैयार कर लिया। किस चीज़ के लिए? भाई कुछ भी हो सकता है, इंसान को हमेशा अच्छे और बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। खैर छोड़ो, वैसे तुमने ये बताकर मेरा दिल खुश कर दिया कि तुमने उसका फ़ोन उठाना छोड़ दिया। अब देखो ना, तुम उससे बात नहीं कर रही, कितना बेचैन हो रहा होगा। कितनी कॉल्स की है उसने रात में तुम्हें? बहुत बार,
पता सबसे मजे की बात क्या है, जो आखिरी कॉल उसकी आई थी ना वो सुबह 4:30 बजे की थी, यानी वो सारी रात नहीं सोया। हाय बेचारा, अब असल मजा तो उस वक्त आएगा जब वो वापस आके तुमसे पूछेगा। और एक बात याद रखना, उसके सामने बिल्कुल ढीठ बन जाना और उसे इस तरह से शो कराना कि तुम भी कोई किसी से कम नहीं हो, समझी? खैर इस बात की फिक्र ना करो तुम, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। वैसे पता है अगर सच पूछो ना तो मेरा भी अंदर से बहुत दिल करा था कि मैं बात कर लूँ। जब जब उसकी कॉल आती थी ना मैं एकदम उठाने लगती थी, फिर मैं तुम्हारी बातें दिमाग में घूमने लगता थी, मैं कहती नहीं अभी नहीं थोड़ा सब्र, मेरा दिल बहुत कर रहा था बात करने का। क्या प्लान किया तुमने? अशफाक को बुलाया मैंने। कब कब बात हुई तुम्हारी अशफाक से? आज सुबह ही बात हुई है, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ, बस आते ही होगा। तो उसे फ़ोन करो, पूछो कब आएगा वो। नहीं भाई मैंने कॉल की ना तो वो पीछे ही पड़ जाएगा, उसको लगेगा पता नहीं मैं उससे बात करने के लिए मरे जा रही हूँ। मैंने कुछ से ऐसी वैसी होप्स नहीं देनी। मेरू बेवकूफ़ हो तुम, थोड़ा सा तो ड्रामा करना पड़ेगा ना, बुलाओ उसे। और सुनो जब वो आएगा ना तो मैं बहाना बना के चली जाऊँगी, ठीक है? और देखो तुम उसे पूरा एहसास दिलाना कि तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत भरी हुई है। तुम अपने फजूल मशवरे अपने पास रखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ऊपर से अगर उसने अम्मा को बता दे तो? मेरू अब वो हर बात तो नहीं अम्मा को बताएगा ना। अब मैं जैसा कह रही हूँ वो तुम ध्यान से सुनो, बिल्कुल वैसा करना है। और पिछले कुछ दिनों से तो बहुत ज्यादा ही, जैसा सुना था उससे बढ़कर ही पाया। मुझे अब समझ आया कि मेरू इतनी आपकी तारीफ क्यों करती है। अब मेरे में ऐसी भी कोई बात नहीं है, पता नहीं मेरू क्यों तारीफ कर रही थी मेरी। चलो तुम दोनों बैठो बातें करो, मैं निकलती हूँ। तुम बैठी रहो ना, तुम कहाँ जा रही हो? मेरू मैं जरूर रुकती, तुम्हें पता है ना मुझे जरूरी काम से जाना है। अब बताओ मैं क्या करूं, तुम्हारे कजिन ही इतनी देर से आए हैं तो बहुत इंतजार किया हमने आपका। कहीं आप मेरू से बदला तो नहीं ले रहे? इसने भी आपको बहुत इंतजार करवाया। और वैसी भी कोई बात नहीं है, मैं एक काम में मसरूफ था। बाय सारा। हाँ तुम्हें चलना चाहिए। हाँ तुम दोनों इंजॉय करो, बातें करो, मैं इंशाल्लाह फिर आपसे मिलूंगी। ओके इशफाक बाय। ओके मेरू बाय। इससे तो बेहतर था मैं घर ही ना। और मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं बुरहान, तुम्हारा दिल करे तो तुम घर आओ, ना करे तो ना आओ, जिसके साथ घूमना फिरना है घूमो, इश्क लड़ाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे कोई खास बात? मैं माफी मांगना चाहती थी आपसे, मुझे पता अच्छा नहीं किया ना, तो बस मैंने सोचा आप आपसे सॉरी कह दूं एक बार। आपको पता है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो आपका दिल दुखाया था उसकी सजा भी मिल रही है मुझे। क्या हुआ?
सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है इशफाक। बुरहान ने मुझसे बेवफाई की है, वो किसी और लड़की से प्यार करने लग गया है। ये तुम क्या कह रही हो? वो तुम्हारे साथ इस तरह कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? और वैसे भी जब कोई किसी के साथ गलत करता है तो उसके अपने साथ भी गलत ही होता है। अब जिस तरह मैंने आपके साथ गलत किया तो अब मेरे साथ हो रहा है। मुझे तुमसे इस बात का कोई गिला नहीं है मेरू, जो किस्मत में लिखा होता है वो ही मिलता। और ये बात मुझे बहुत जल्द समझ आ गई थी कि तुम मेरे लिए नहीं हो। मैं कैसे समझाऊं अपने आप को? बुरहान तो मुझे मिलकर भी नहीं मिला। खैर, उसका तो कुछ हो नहीं सकता। आपसे सॉरी कहना था मैंने, आप प्लीज मुझे माफ कर दें। ऐसे मत कहो मेरू, मुझे तुम्हारा इस तरह बात करना अच्छा नहीं लग रहा। तुम तो वही गुस्से में और नखरे करती भी अच्छी लगती। आप भी आज भी उतने ही अच्छे हैं जितने आप तब थे। इशफाक, मैं आपसे कोई काम कहूँ तो आप करेंगे क्या? कुछ ज्यादा नहीं है, बस ये कि जब तक आप यहाँ हैं आप मुझसे मिला करें। वैसे भी कुछ नहीं हो पाया तो क्या, दोस्त तो है ना, हम तो मिल तो सकते ही हैं, नहीं? अभी मुमकिन नहीं मेरू, मैं ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं करना चाहता। प्लीज इशफाक, अब अगर आप ऐसे बोलेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मेरी गलती के लिए ना मुझे माफ नहीं किया है। तो ठीक है ना, ये हुई ना बात, मुझे पता था मान जाएंगे आप। कुछ खाई ऐसे? जो तुम चाहो। हाँ वैसे कोई खास भूख तो नहीं लग रही, कुछ चाट वाट ही खा लेते। नहीं कहाँ हो तुम भाई? मैं तुम्हें कितने फोन कर रहा था वहां से, तुमने एक फोन नहीं उठाया, ना कोई मैसेज का रिप्लाई किया। हाँ तो तुम घर ही आ रहे थे ना, और बताओ ट्रिप कैसा गुजरा तुम्हारा, मारुख कैसी है? तुम्हें मारुख के अलावा भी कुछ सोचता है? हर वक्त उसी का जिक्र करती रहती हो, तुम्हें तंग आ गया उस बकवास से। अपनी सोच को बदलो वरना। पढ़ना क्या, तुम मुझे धमकी नहीं दे सकते बुरहान, और वैसे भी मैंने नॉर्मल बात की है। अब मारुख तुम्हारे साथ गई थी इसीलिए मैं पूछ रही हूँ ना, कोई और गया होता तो मैं उसके बारे में पूछ लेती। समझ मुझे ये नहीं आ रहा कि तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो, कहीं अब भी ऐसी कोई बात तो नहीं है जो तुम मुझसे छुपाना चाहते हो? फिर वही बकवास, इससे तो बेहतर था मैं घर ही ना। और मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं बुरहान, तुम्हारा दिल करे तो तुम घर आओ, ना करे तो ना आओ, जिसके साथ घूमना फिरना है घूमो, इश्क लड़ाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज तो मुझे यकीन हो गया जो होता है कुदरत की तरफ से बेहतर होता है। अब देखो अहमद शाह तुम्हारी जिंदगी से गया, तो ऊपर वाले ने तुम्हें बुरहान से मिला दिया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो आज? बुरहान सिर्फ मेरा एम्प्लॉय है और कुछ भी नहीं। लेकिन जो बातें तुमने मुझे बताई हैं उससे तो ये लग रहा है कि वो तुम में इंटरेस्ट ले रहा है, और सिर्फ वो ही नहीं तुम भी। तुम्हारे चेहरे पे जो ये मुस्कुराहट और ये हंसी है ना, ये पहले नहीं थी। तुम बिल्कुल वैसी ही लग रही हो जैसे तुम शादी से पहले थी, सुकून में। तुम्हें तो खामखा में वहम हो गए, माने कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो आज। मारुख ऐसा ही है, प्लीज खुद को पहचानो। खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देना चाह रही, उनका इस्तकबाल करो मारुख। वो तुम्हें जानता है, पहचानता है, तुम्हें समझता है। ऐसा ही शख्स तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए था, जो बगैर कहे तुम्हारी बात समझ जाए। मैं सही कह
मेहरू, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं सोचा, लेकिन मैं फिर भी तुमसे माफी मांग रहा हूँ। प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दो। क्यों कुछ गलत करेगी? ऐसी क्या बात है? हम बात करते हैं जाके। तू मुझे लेके चल, मैं जाके देखूँ ना क्यों बुरहान का बच्चा तंग कर रहा है मेरी बेटी को। महबूब साहब, मेहरबान जा रही है, उसे रोकिए। आपने इजाजत क्यों दी उसे? इसलिए कि वो इजाजत लेने नहीं, सिर्फ बताने आई थी। हो सकता है मेहरमा को ये इशू हो कि तुम उसे प्रॉपर टाइम ना देते हो। मैं काम के बाद सारा टाइम उसको ही देता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं होती। उसका दिमाग कहीं और होता है।